देखिए ये अवार्ड ऐसा है कि इसके लिए साल का पहला दिन हो या साल की आखिरी दिन हो, ये अवार्ड मिलना ही हमारे लिए गर्वान्वित महसूस करता है। ये साल का पहला दिन नहीं बल्कि ये लास्ट में भी मिले ना, तो ये अवार्ड मिलना ही बहुत बड़ी बात होती है किसी के लिए भी, और किसी कलाकार के लिए भी, तो जेन्युइन है कि कलाकारों के लिए ये अवार्ड बहुत बड़ा मायने रखता है। और ये मेरा सौभाग्य है जे ये पूरा संस्था ने मुझे इस लाइक समझा है, तो दिल से थैंक यू। दादा साहब का पुतला अभी तक नहीं मास्टर लगा, अभी हम लोग लगाने जा रहे हैं, उसके लिए कुछ कहना चाहेंगे? सरकार में होता तो मैं पहले ही लगवा देता, ऐसे महापुरुष का पुतला। सर हमारी सरकार जो बिहार यूपी की जो सरकार है वैसी बगैर सरकार की सरकार। सर मैं चाहता हूँ 6 तारीख को 2 मिनट के जहाँ पे भंडारा शुरू, मैं अगर रहूंगा, मैं यहाँ अगर रहूंगा तो, क्योंकि मुझे गाँव भी जाना है, कुछ काम है मेरे प्रश्न, तो अगर मैं रहूंगा तो जरूर आऊंगा भंडारा। मैं बोल दूं आप सभी को, हम सबके लाल, हम सबके सुपरस्टार, भोजपुरी इंडस्ट्री के नहीं भोजपुरी जगत के सुपरस्टार, हम सबके चहेते स्मार्टी बॉय, स्मार्ट सम्राट, जिसको हम स्मार्टी सम्राट कहते हैं, भोजपुरी के लाल, भोजपुरी का आन बान शान, हम सबके बड़े भाई, मेरे गुरुजी, हम लोग क्या जो बड़े स्टार होते हैं उनका हम गुरु मानते हैं, पिता माता गुरु के बिना कुछ नहीं, क्योंकि मैं कलाकार हूँ तो मेरे कलाकार, अगर मैं कलाकार हूँ तो ऑर्गेनाइजेशन मैं चलाता हूँ, मैं कलाकार मेरा गुरु है, तो हम सबके लाल एक ही नाम है, ये सम्राट है, एक्टर के सम्राट है, नाम है केशव लाल यादव साहब। थैंक यू सो मच, थैंक यू, इतने अच्छे संस्था को, थैंक यू, धन्यवाद।